कैसे सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग अपनी बॉडी को बदलना चाहते हैं, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स, मॉर्निंग मिस्टेक्स, मतलब सुबह में उठते ही वो गलतियाँ कर देते हैं, इससे आपकी मसल बिल्डिंग नहीं हो पाती है और आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। जैसी आपकी बॉडी है वैसी ही बॉडी आपकी रहती है। तो गाइज, अगर आपने ये गलतियाँ बंद कर दी तो आपकी बॉडी बिल्कुल बदल जाएगी और आपकी बॉडी बर्बाद होने से रुक जाएगी। तो गाइज, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आप सभी लोगों के लिए। चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। अगर आपको कोई सवाल हो करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। दोस्तों जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो तभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस हमारे साथ होती है। तो हमें क्या करना है, तुरंत उठते ही आपको करीब 10-20 पुशअप्स करना है। आपको पुशअप्स अगर आप करोगे तो उससे आपको थोड़ा सा मूड अच्छा होगा, थोड़ी सी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर लगेगी और जो लेजीनेस है वो आपकी बिल्कुल बॉडी से गायब हो जाएगी और आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो पूरे दिन के अंदर तो वो आप ईजिली कर लोगे और आपकी इससे फिजिक भी अच्छी रहेगी, आपकी फिटनेस भी बहुत अच्छी रहने वाली है। या फिर आप स्किपिंग रोप कर सकते हैं, 2-3 मिनट 4 मिनट तक स्किपिंग रोप कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा बॉडी का और सुस्ती बिल्कुल गायब हो जाएगी तुरंत और आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो आपकी चले जाएगी। और स्किपिंग रोप के आपके बहुत सारे टन्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ आप जरूर फॉलो करें। बात करते हैं दूसरी बड़ी मिस्टेक के बारे में, जो कि मॉर्निंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। जैसे सुबह सोकर उठेंगे छोले भटूरे, पूड़ी समोसे और पता नहीं क्या क्या गंदी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों आप जैसे सुबह सोकर उठते हो आपको गंदी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपकी बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा, आपकी बॉडी पूरी बेकार हो जाएगी। तो गाइस आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कोशिश करना है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, हैवी ब्रेकफास्ट करना है, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो अच्छी क्वांटिटी में और हेल्दी फैट भी हो, मतलब गुड फैट हो आपकी डाइट के अंदर। बहुत सारे लोग उल्टी सी चीज़ खाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन होती है, बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो गाइस आपकी बॉडी कभी अच्छी नहीं बन पाएगी और आपकी बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो सुबह उठते ही आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और गुड फैट भी हो। और बहुत सारे लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीना है क्योंकि हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है और जब खाली पेट पे चाय कॉफ़ी जाती है तो वो एसिड क्रिएट करती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, अगर आपके साथ नहीं हो रही तो हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ ये दिक्कत हो जाए। तो गाइस सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। अगर आप चाय पीना चाहते हैं या फिर कॉफ़ी के शौकीन हैं तो 1-1.5 घंटे तक का गैप रख सकते हैं। बात करते हैं अगले बड़े पॉइंट के बारे में। दोस्तों अगर आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं या कोई काम है आपका, आपको पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का, तो आप कोशिश करें कि सुबह उठते ही आपको करीब 30-40 मिनट तक एक्सरसाइज करना है घर पर। अगर आप जिम में जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं। कोशिश ये करें कि सुबह उठते ही आप वर्कआउट कर लें, मतलब मॉर्निंग के टाइम पर ही वर्कआउट कर लें क्योंकि आपका पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा। फिर आप ये बहाने नहीं मारोगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का या फिर मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत चल रही है, टाइमिंग की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्सक्यूजेस लोग देते रहते हैं। तो गाइस आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको वर्कआउट तो करना ही करना है, वर्कआउट मिस नहीं करना है। वर्कआउट के साथ में कोई मजाक नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज नहीं आनी चाहिए आपके माइंड में। सुबह उठते ही घर पर एक्सरसाइज कर लें या फिर अगर आपको फिजिक थोड़ी सी अच्छी करनी है, बेटर बनानी है, तो आप जिम में जाके वर्कआउट करें करीब 1 घंटा। जितने टाइम आप उठते हैं उससे 1 घंटे पहले आप उठ जाइए, जिम में चले जाइए और एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, आपकी फिजिक बनने लग जाएगी और आपका जो जितना भी टेंशन होती है यार मुझे वर्कआउट करने जाना है तो वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। सुबह सुबह आप अपना वर्कआउट निपटा दोगे, फिर पूरे दिन आप जो चीज़ करते रहिए, आप काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो काम करते रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही फ़ोन में गलत चीज़ें देखने लगते हैं, बहुत सारी गलत न्यूज़ देखते हैं, गंदी मूवीज़ देखते हैं और जब गंदी मूवीज़ देखते हैं तो उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और जब बहुत सारी चीज़ें गंदी देखते रहते हैं, बहुत सारी रील्स जो आती हैं वो गंदी रील्स आती हैं, बहुत कभी कभार ऐसा भी होता है हमारे फ़ोन में, तो जब वो चीज़ें आपके माइंड में आती हैं तो आपका पूरा दिन वही गंदा रहता है, पूरा दिन आपका डीमोटिवेटिंग रहता है, आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा करना चाहते हैं, हेल्दी करना चाहते हैं, आपके माइंड को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आपको गंदी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। आपको सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ नहीं करना है, फ़ोन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत देर 10-15 मिनट कर लीजिए, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक फ़ोन यूज़ कर रहे हो और गंदी चीज़ें देख रहे हो तो आपका माइंड नेगेटिव बनेगा, जिससे आप गलत आदतों की तरफ जाते हो और जब गलत आदतें करते हो तो आपकी बॉडी कभी नहीं बदल पाएगी। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों आप अपना पूरा दिन प्लान करिए कि मुझे पूरे दिन क्या चीज़ करना है, और जब पूरा दिन प्लान कर लेंगे आप तो उस हिसाब से अपना रूटीन बना लेंगे और जो भी आपका काम है, वर्कआउट किस टाइम करना है आपको, कौन सा टाइम लंच करना है, कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट काम करना है आपको या फिर कहीं पर जाना है, तो वो सारे आप ईजिली कर पाएंगे। और बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों, वो है विटामिन डी को लेकर। बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जब सुबह जल्दी उठते हैं तो वो घर पर ही रहते हैं, वो लोग कोशिश ये करें कि विटामिन डी ज़रूर लें, धूप में थोड़ी बहुत देर ज़रूर जाएं, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक, जो बिल्कुल सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें काफ़ी
काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी होता है, और बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जिसमें पाया गया है कि विटामिन डी से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, उसकी कमी हो गई है बॉडी के अंदर, और जब उसकी विटामिन डी की कमी हो जाती है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं। तो अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं नेचुरल सोर्स से, बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी फिटनेस अच्छी होगी, आपकी बॉडी बिल्कुल बदल जाएगगी। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ इस पर एक लाइक करें। ये सारे पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए दो दोस्तों के साथ में, हमारा ही बेनिफिट हो, हमारे चैनल का और आपके दोस्त का ही बेनिफिट हो जाए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, स्कैकिंग हेल्थ नाम से ही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।